हेलो एवरीवन, वार्म गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपण मानक समस्त को आमर एसएसबी बीजेटी पार्ट 17 को समस्त को स्वागत रहइबो। आज हेउछ आपणकर एक इम्पोर्टेंट डे जोटा कि 27 अक्टोबर एवं आम बहुत निकटर होती एग्जाम आमर जो 17 अच्छी पॉलिटिकल साइंस रो, तो ताकू आखि आगे रखिक आमर अनवरत चेष्टा एवं आपणकर सहयोग डेडिकेशन द्वारा ये सब आमर संभव हो पारिछे। तो आम आज चेष्टा करिबा जे पाखापाखि कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एवं गोटे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करिबा को जोटा कि आपणको हेल्प करिबो बुझिया पई जे आपणकर प्रिपरेशन केभळी हेंची एटा गोटे आपणको कॉन्फिडेंस दबो आपणको ये हेल्प करिबो गोटे थोरो रिविजन पई और आम गोटे प्रॉपर और बेटर वे रे आम क्वेश्चन गुड़ को भलसे पढ़ा एवं 360 डिग्री ताको आंसर करिबा जोटा कि आमर एसएसबी पीजीटी पई बहुत इम्पोर्टेंट। तो आम ए चेष्टा करिबा जे आमर क्वेश्चन गुड़ कि भाव में आम अटेम्प्ट करि परिबा त संगे कौन आमर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छी आउ हे परिबो जोटा कि मैक्सिमम आम स्कोर करिबा आउ आमर सिलेक्शन चांसेस को आम एठे आगे बढ़े देबा हला। ठीक अच्छे समस्त एथरे बुझिपारे मुझे कह चाहिए तो यहाँ आम विलम्ब न कर आरंभ करा आम प्रथम फास्ट क्वेश्चन आज से कहते आपण को ना अकॉर्डिंग टू लिबरल व्यू ए स्टेट मस्ट प्रमोट कंडीशन अंडर व्हिच इंडिविजुअल मैनेजेस हिज और हर ओन अफेयर्स। ऑप्शन बी स्टेट इज गॉड्स मार्च ऑन अर्थ। ऑप्शन सी स्टेट इज नेसेसरीली एन एजेंसी ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड कोहेशन। ऑप्शन डी स्टेट मस्ट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल। क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज ऑप्शन ए ना स्टेट मस्ट प्रमोट कंडीशन अंडर व्हिच इंडिविजुअल मैनेज हिज और हर ओन अफेयर्स जोटा कि आपणकर कौन लिबरल व्यू कौन करती बिलीव करती राइट इंडिविजुअल लिबर्टी कथा कहती राइट। तो ऑप्शन आपणकर ए हो गला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन ए पर क्वेश्चन नंबर टू कहते पॉलिटिकल थ्योरी इन द 20th सेंचुरी मेनली चेंज रिफॉर्म बीइंग ऑप्शन ए नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल ऑप्शन बी एम्पिरिकल टू नॉर्मेटिव ऑप्शन सी वैल्यू फ्री टू वैल्यू लैडन ऑप्शन डी वैल्यू न्यूट्रल टू वैल्यू कमिटमेंट। माने आपणकर 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरी रो गोटे शिफ्ट हला कोठ कोठ शिफ्ट हला से कथा है। क्वेश्चन नंबर टू रो आंसर है ऑप्शन ए जोटा कि आपणकर नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल राइट। तो आम देखले कौन ना जो बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थॉट रो इवोल्यूशन हला इन द 20th सेंचुरी तो से पॉलिटिकल थ्योरी रो को स्टडी एम्पिरिकल वे करने चेष्टा कला। तो ये आपणकर आंसर आपठे करेंगे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टू। देन क्वेश्चन नंबर थ्री नेशनलिज्म इज क्लोजेस्ट टू ऑप्शन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर ए स्टेट ऑप्शन बी ए कंट्री विथ ए कॉमन गवर्नमेंट ऑप्शन सी ए पीपुल्स सेंस ऑफ सॉलिडारिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कॉमन आइडेंटिटी अंडर और विथ एन अर्ज टू बी अंडर ए कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव।
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ନେସନାଲିଜିମ୍ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ, ଏ ପିପୁଲ୍ସ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସଲିଡ଼ାରିଟି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର୍ଡ଼ କମନ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ଅଣ୍ଡର ଅର୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଜ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡର ଏ କମନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ନେସନାଲିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଏଇଠି ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନେସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର୍ଡ଼ କମନ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସଲିଡ଼ାରିଟି ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ କମନ୍ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ନେଇକରି ବେସ୍ ଥିବ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀର ସି ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲିବରାଲ୍ ଥିଙ୍କର। ଅପସନ୍ ବି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜ ଟୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର। ଅପସନ୍ ସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଅପସନ୍ ଡି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିଥ୍ ଦ ପେସେଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରି। ତ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫଲୋଇଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏବଂ ଆର ଆନ୍ସର୍ ନ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଓରିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଠି ନୂଆ ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ଶିଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ର, ଇନକରେକ୍ଟ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ'ଣ ନା ବି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜ ଟୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଏଇଟା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଏପରି ପ୍ରକାର ଏକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ କିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନୀ ବର୍ଗ ଅଛି ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କାମ କରିଥାଏ। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କଥା ଏଇଠି କୌଣସି ନାହିଁ ଏଇଠି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାକ୍ସ ୱେବର୍ ଇଜ୍ ଆର୍, ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ବି କାରିସ୍ମା, ସି ଲ ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲିଟି, ଡି ଅଲ୍ ଦ ଏବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଥରିଟିର ଟାଇପ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ କେଉଁଟା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ମାନେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ବା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପଚରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ'ଣ ନା ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, କ୍ୟାରିସ୍ମା ଆଣ୍ଡ ଲ ଅର୍ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ତିନି ପ୍ରକାର ସେ ଅଥରିଟିକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମାରୀ କଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ବେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ। କାରିସ୍ମା ଯେଉଁଟାକି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସନାଲିଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ରାସନାଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଡିଫାଇନ୍ଡ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅଥରିଟି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଥରିଟି କଥା ସେ କହିଥିଲେ ମାକ୍ସ ୱେବ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବୁକ୍ରେ ସେ ଏ ଅଥରିଟିର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କଥା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ନା କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଫର୍ ଏ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍, ବି ମଡ଼ର୍ନ ଲିବରାଲିଜିମ୍, ସି ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍, ଡି ସୋସିଆଲିଜିମ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼ର୍ନ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଜନ୍ ରଲ୍ସ କଥା ମନେ ପକାଅ, ମଡ଼ର୍ନ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ସେ ଆସିବେ, ଟି ଏଚ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବେ ମଡ଼ର୍ନ ଲିବରାଲିଜିମ୍ରେ, ଅନେଷ୍ଟ ବାର୍କର୍ ହେଇଗଲେ। ତ ମଡ଼ର୍ନ ଲିବରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଏଇଠି, ରାଇଟ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି।
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर सेवेन से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एलिट्स थ्योरी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ए एलिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मासेस ऑप्शन बी एलिट्स एलोन एक्सरसाइज द पॉलिटिकल पावर ऑप्शन सी इकोनॉमिकली सुपीरियर एलोन कॉन्स्टिट्यूट एलिट ऑप्शन डी देयर इज अ सर्कुलेशन अमंग द एलिट अबाउट एलिट्स थ्योरी इज नॉट करेक्ट तो यहाँ आपण आंसर हो क्वेश्चन नंबर सेवेन ऑप्शन एटे सी हो जोटा कि से कहते एलिट्स थ्योरी इज नॉट करेक्ट सो इकोनॉमिकली सुपीरियर एलोन कॉन्स्टिट्यूट एलिट एटा नुहे आपणकर एलिट कौन कहे रूल ऑफ फ्यू से रूल ऑफ फ्यू आपणकर इकोनॉमिकली कि मिलिटरी सेक्टर देखा पाओ इवेन आम आपणकर कौन बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एलिट अच्छा तो इकोनॉमिकली एलिट खाली आपणकर नहांती विभिन्न प्रकार अच्छा तो सी पचार लाइक नॉट करेक्ट तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट आ बाकी एलिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मासेस क्लियर एलिट्स एलोन एक्सरसाइज द पॉलिटिकल पावर राइट देन देर इज ए सर्कुलेशन अमंग द एलिट्स जोटा कि आपणकर पेरिटो कहते सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स लायन एंड फॉक्स रो एग्जांपल एनालॉजी से देते जोटा कि माकियावेली मध्य यूज करते राइट तो ये जिनटा आपंकर क्वेश्चन नंबर सेवेन आंसर हो इकोनॉमिकली सुपीरियर एलोन कॉन्स्टिट्यूट एलिट एटा भूल गला से एलोन नुहे से आम पॉलिटिकल आसीपारती आपणकर मिलिटरी आसीपारती जोटा कि आप सीरीटो मिल कहते तीन प्रकार एलिट कथा मन पकड़ बुक्रे द पावर एलिट्रे रईट तो ये जिनटा आपर नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते क्वेश्चन नंबर एट्रे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट को स्टेटमेंट ऑप्शन ए ऑस्टिन प्रोपाउंड्स प्लुरालिस्ट व्यू ऑफ सोवरेनिटी ऑप्शन बी मार्क्सिस्ट कैंपेन मेनली फॉर लीगल जस्टिस ऑप्शन सी लिबरालिज्म स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक जस्टिस ऑप्शन डी प्लुरालिस्ट व्यू इज मोर डेमोक्रेटिक ये आपंकर गोटे भल आंसर हम कौन ये ना ऑप्शन एटे डी हो आंसर दैट प्लुरालिस्ट व्यू इज मोर डेमोक्रेटिक यहाँ ही आपंकर सुइटेबल एंड बेस्ट से कहते ऑप्शन ए ऑस्टिन प्रोपाउंड प्लुरालिस्ट व्यू ऑफ सोवरेनिटी ना ऑस्टिन आपंकर मोनिस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी कथा कही प्लुरालिस्ट व्यू ऑफ सोवरेनिटी किए कही प्लुरालिस्ट व्यू ऑफ सोवरेनिटी मोनिस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी रु अलग जोटा कि ऑस्टिन कही राइट तापर ऑप्शन बी आसला ए तो इनकरेक्ट हो गला ऑप्शन बी आसला मार्क्सिज्म कैंपेन मेनली फॉर लीगल जस्टिस ना से मैंने कहते लीगल लॉ नॉर्म ए सब तो आपणकर किए मीन्स डिटरमाइन करे तो लीगल फिगल किसी नहीं है मीन्स को कंट्रोल कर दिए आप सब हो सो मेनली लीगल जस्टिस तो यहाँ है ऑप्शन सी लिबरालिज्म स्टैंड फॉर इकोनॉमिक जस्टिस तो लिबरालिज्म आप जानते इकोनॉमिक तो सीटा आसबन इकोनॉमिक कौन इकोनॉमी आप कौटे इकोनॉमिक जस्टिस कथा तो मैंने इनइक्वालिटी कथा कहते लिबरालिज्म रे इकोनॉमिक जस्टिस कथा ना ये हम राइट तो प्लुरालिस्ट व्यू इज मोर डेमोक्रेटिक आम कारण कहार उद्देश्य कारण ये ऑर्गेनाइजेशन सब इनक्लूड करा जाए नॉट ए फ्यू रूल नॉट ए मेनी रूल बट ए रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपणकर अच्छा विभिन्न प्रकार ट्रेड यूनियन हो आपणकर समुदाय गोष्ठी हो तो डेमोक्रेटिक व्यू गोटे आपको देखा राइट क्वेश्चन नंबर एट डी हो गला आंसर देन क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ पावर्स बी सेपरेशन ऑफ पावर्स सी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डी रूल ऑफ लॉ यहाँ आपर आंसर कौन हो ना नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोड़ा प्रोवाइड करा जाए आपण रूल ऑफ लॉ अच्छी जोटा कि आर्टिकल 14 आपंकर
ଆଉ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତା'ପରେ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ମେନ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫେଡେରାଲ୍ ଲାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ ମାନେ ଏଜ୍ ସଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ଲି ନଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଆଉ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ କଥା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାଉ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମର ସେପାରେସନ୍ ପାୱାର୍ ଲାଇକ୍ ଏଜ୍ ସଚ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାୱାର୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଡ଼ିନେଟେଡ଼୍ ଥାଉଛି। ତ ଏଜ୍ ସଚ୍ ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଗେଟେଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ବି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫର୍ ଦ ୟୁଏସ୍ଏ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଡୋଣ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ୟୋର୍। ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର୍ 9ର ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର୍ 10, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜ୍ ଏ ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍, ବି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ସି ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡି କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ସେ, ଯେଉଁଟାକି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡଜ୍ ନଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ବି ରାଇଟ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ସି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡି ଆଣ୍ଡ ଡି କଲଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ 6ଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିବର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜନ୍ ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କଲଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡି। ତ 6ଟା ହୋଇଗଲା ଏଠି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦାଟ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11ର ଏ ପରେ ୱି ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡର ଦ ଆର୍ଟିକଲ 360 ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟର ଅପ୍ସନ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ତ ଟାଇମ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 360 ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡିଲ୍ କରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ବାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ତା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି। ତ 360 ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା। ତ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦା 352 ହେଇଗଲା, 356 ହେଇଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ଼, ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହି ଅର୍ ସି ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜ ସ୍ଲୋଲି କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହି ଅର୍ ସି ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହି ଅର୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍ମିସ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜ ସ୍ଲୋଲି
कनसीस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ना जो आम इलेक्टोरल कॉलेज कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपर किए आसबे ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड रे आपर आसबे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देन थर्ड रे आपर आसबे इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनाइटेड टेरिटरी राइट सो तो एटा हो आपर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द कौन आपणकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपर जो इलेक्ट कर तो ऑप्शन बी हेटा आप आंसर हो गला जोटा कि नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपर क्वेश्चन नंबर 14 दैट द जजेस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हिज ओन विल ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव इटा आपर आंसर हो कौन ना ऑप्शन हो कौन जजेस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑप्शन डी हम ये कारण देर इज ए प्रॉपर प्रोसेस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द रिमूव ऑफ द जजेस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट और फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट ऑल्सो तो से जिनसा आपर केवल पार्लियामेंट ही मानने नोटिस जोटा कि आपर प्रॉपर प्रोसीजर अच्छी टू थर्ड मेजोरीटी दरकार गोटे हाउस आउ गोटे हाउस को पठा से पुणी टू थर्ड मेजोरीटी आपणकर आवश्यक अच्छी तापर आपर फाइनाली प्रेसिडेंट को कौन हम अप्रूव हम आसेंट हम तापर जाकर रिमूव हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो जजेस अच्छा यह सब व्यवस्था करार कारण कौन गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियर आपर इंडिया हो पार ना कि प्रेसिडेंट इच्छा अनुजाई से रिमूव करदे ना कि प्राइम मिनिस्टर ये माने प्रेसिडेंट को एड कर आडभाइज कर रिमूव करेंगे ना तो कारण जहाँ गोटे भल प्रोसीजर अच्छी जोटा कि कन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए इम्पीचमेंट आपर जजेस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट तो ऑप्शन डी हो जाए आंसर क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 आसा से पचार द वोटिंग सिस्टम आप्लिकेबल इन इंडिया फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज कॉल्ड ऑप्शन ए मेजोरिटी सिस्टम ऑफ वोटिंग ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ वोटिंग ऑप्शन सी फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एटा आपर आंसर ऑप्शन सी जोटा कि वोटिंग सिस्टम आप्लिकेबल इन इंडिया फॉर इलेक्शन टू लोकसभा जोटा आप फास्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम रे आमर जो एमपी अच्छा आप लोकसभा रे से माने एफएफपी टीपी माध्यम रे निर्वाचित होती सिमिलरली आमर जो एमएलए अच्छा जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन मैंने हुए से एफएफपी टीपी माध्यम रे गोटे मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम माध्यम रे निर्वाचित होती तो यहाँ इंपोर्टेंट हो गला ऑप्शन सी हो गला तो आपण कौन करेंगे ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो कवर करते टॉपिक अच्छे इलेक्टोरल सिस्टम तो इलेक्टोरल सिस्टम दु प्रकार इलेक्टोरल सिस्टम अच्छे गोटे आपर मेजोरिटेरियन हो गला आउ गोटे आपर कौन प्रोपोर्शनल सिस्टम हो गला राइट तो सी जिनसा कवर करदे आप जो भी बुक कवर करे सी जुहारी जहाँ भी हो कारण ओपीएससी पीजीटी एथर मध्य से विषय पचारे आम आशा करुच्चे नेक्स्ट जो 17 एग्जाम से क्वेश्चन आस कारण जो 2024 आपर गोटे कौन ना गोटे इलेक्शन रयर जोटा कि आम देखिले ओडिशा साइमल्टेनियस पोल है लोकसभा विधानसभा है तो ऑब्वियसली सी एज ए पॉलिटिकल साइंस मानने जे पेपर बनाऊँ आम अपीयर करवा तो आम ऑब्वियसली इलेक्टोरल सिस्टम को मानने किए जाणु कि न जाणु आमको जानवर अच्छे राइट तो आपको कभर कर चेस्टा करेंगे मुझे टाइम पड़े केतिक सेयर करी ए विषय तो जोटा इंपोर्टाट बहुत इंपोर्टाट रईट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपर सब जोटा कि इंपोर्टाट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 सरकारिया कमिशन वाज अपॉइंटेड टू ऑप्शन ए सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑप्शन बी लुक इनटू द प्रॉब्लम एरिया ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन
ऑप्शन सी स्टडी द कंसर्न ऑफ स्टेट रिलेटेड विथ सर्टेन पावर विथ द सेंटर्स एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। सरकारिया कमिशन तो एमती गोटे क्वेश्चन जोड़ा कि आपंकर एस एस बी रोत फेवरेट आप लेक्चर कथा कहतु पीजीटी कथा कहतु किंबा पीजीटी कहतु से तो से सब क्वेश्चन करेंगे सरकारिया कमिशन तो सरकारिया कमिशन ये इंपोर्टाट हो जाए ऑप्शन डी आपर आंसर हो सरकारिया कमिशन जोटा कि कन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कथा से रिलेटेड टू द सेंटर एंड स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन प्रॉब्लम कौन अच्छी ताकि से कहते स्टडी द कंसर्न ऑफ द स्टेट्स एंड द सेंटर पावर विषय से कहते हैं सरकारिया कमिशन जोटा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम एस्टाब्लीश होता 1983 रे सरकारिया कमिशन गठन होता से आपंकर मेम्बर थे आप मन रखिए सी रेकमेंडेशन करते जोटा कि इंटरस्टेट काउंसिल गठन करने रेकमेंडेशन द्वारा ही आपंकर इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्मेशन होता जोटा कि फाइनाली आपंकर लागू है मे 1990 भिपी सिंह गवर्नमेंट टाइम रे तो यहाँ को सरकार टाइम आपंकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम होता से भाव में अन्य कमिटी अच्छी जोटा कि आप मन रखार अच्छी गोटे आपंकर आनंदपुर साहिब रेजल्यूशन हो गला राजमनोहर कमिटी होगा पंची कमिशन तो बहुत फेवरेट एस एस बी आप जानते प्रत्येक आपंकर पेपर से देखा मिलूँ आम क्वेश्चन तो ये विषय टी मन रखा चेस्टा कर तापरे एडे कही रखे क्वेश्चन नंबर 17 18 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 इट्स नॉट फॉर एसएसबी राइट क्वेश्चन नंबर 21 टू आम देखा से कहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट से कहते ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर वाज द स्टेट ऑफ वायलेंस एंड इनसिक्योरिटी तापरे से कहते ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम लॉ इज गुड इफ इट प्रमोट्स प्लीजर मैक्सिमम तापर ऑप्शन सी से कहते अकॉर्डिंग टू रूसो रीजन इज ए गुड क्वालिटी दैट पीपुल एंजॉयड इवन इन द अर्ली स्टेज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर देन ऑप्शन डी कहते जेस मिल वाज इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये क्वेश्चन गुड़ाक मैंने अटेंड कर फायदा कौन दुटा फायदा अच्छे एक आप जापर जे आप कौटे अच्छा दुई रे जदि भी आप क्वेश्चन आंसर कर ये आउ तीन टा नुआ जिनस शिखिपर जदि करदे ओके जदि न करें पढ़े जानवे कि आउ तीन टा नुआ जिनस जोटा कि आप जानवे रिभाइज होल्प कर तो देखो ये ऑप्शन सी आपंकर नॉट करेक्ट बिकॉज जितेबाला आम रुसो कथा कहते रुसो जी कि गोटे मानने थिंकर इन द मॉडर्न टाइम से रिजन को मानने से कौन करते गोटे क्रिटिसाइज करते से रिजन को क्रिटिसाइज करते से टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करते से प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करते तो थर्ड ऑप्शन से कहे कौन अकॉर्डिंग टू रुसो रिजन इज ए गुड क्वालिटी दैट पीपुल एंजॉयड इवन इन द अर्ली स्टेज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर ना से कहते रिजन जो अच्छे आपंकर जो साइंस अच्छी लॉजिक अच्छी ये आप सिविलाइजेशन ग्रोथ ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रोथ द्वारा ये आम देखिले प्रकट है जहाँ फल लोक कौन कले विभिन्न प्रकार मिस्टेक है तो से कथा आपड़ी कहते तो सी ये भूल लिखीदे तो आंसर ये आप क्वेश्चन नंबर 21 री पचार सी ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 सी कहते जोटा कि हु सेड ऑनली द फिलोसोफर आर किंग और किंग एंड द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड हैव द स्पिरिट ऑफ फिलोसोफी सिट विल नेवर रेस्ट फ्रॉम इविल ऑप्शन ए प्लाटो बी आपंकर जे एस मिल एंड ऑप्शन सी अरिस्टोटल एंड डी रुसो पढ़वा ऑनली द फिलोसोफर्स आर किंग एंड द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव द स्पिरिट ऑफ द फिलोसोफी सिटीज विल नेवर रेस्ट फ्रॉम इविल फिलोसोफर किंग तो ये विषय आप किए कहीपरिवे तो ऑब्वियसली जी आप विषय तो आउ किए कह कौन लगुच आंसर तो यहाँ मुझे स्टार करदे यहाँ आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परवर्टेड गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अरिस्टोटल मतलब कौटा गोटे परवर्टेड गवर्नमेंट ऑप्शन ए मोनार्की बी पॉलिटी सी डेमोक्रेसी एंड डी अरिस्टोक्रेसी माने परवर्टेड मैंने कौन बेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ कौन हम ये आंसर आपंकर तो ऑप्शन ए सी हो डेमोक्रेसी जोटा कि
परवर्टेड गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। सो मन रखिबे डेमोक्रेसी को से गोटे बेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली कि अरिस्टोटल हो कि प्लाटो दु जन जैसे एग्री थे। क्वेश्चन नंबर 24 है गला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स ऑथर। ऑप्शन ए अरिस्टोटल एंड द पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी मैकियावेली एंड द डिस्कोर्स, ऑप्शन सी जेस मिल एंड ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बेंथम एंड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये आपर लाइक आंसर ऑप्शन डी जोटा कि बेंथम आपणकर यूटिलिटेरियनिज्म प्रचयता नुहंती। जे स्मिल ए बुकटा रोट करते अन् यूटिलिटेरियनिज्म राइट। किसी ना आपड़ अन्य बुकटा मन रखु पॉलिटिक्स जोटा कि अरिस्टोटल पॉलिटिक्स रे पार्ट वन स्लेवरी कथा कही माकियावेली जोटा कि डिस्कोर्स ऑन लिबरे से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गोटे आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही लिबर्टी ऑफ द पीपल कथा कही पीपल कथा से कही राइट। तापर मिल रिपेंडेंट गवर्नमेंट कही जोटा कि से रिपेंडेंट गवर्नमेंट रे आपण विभिन्न प्रिंसिपल कथा कही से ओपन बैलेट कथा कही से वेटेड वोटेड कथा कही से प्लुराल वोटिंग कथा कही रेलुंगटन डेमोक्रेट से कह जाए ये सब कारण जो राइट। तो ये आपर मिल आईडिया गोटे एलिट एलिटिज्म टेंडेंसी मैं देखिपारे कि भाव से डेमोक्रेसी आइडिया को मैंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो अच्छी आम आसीगला जो इंडिया से आसे तो से बहुत राजी ना डेमोक्रेसी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री लागू हो कारण से डेमोक्रेसी अटोमेटिकाली गोटे मेजोरीटी ऑफ टायरनी में परिणत हो जाए बिकॉज पीपल आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर ड्यूटी राइट्स एंड डिफरेंट थिंग। सो या मन रखा चेष्टा करेंगे। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर कौन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व आम देखा जे आमर कौन अच्छे यहाँ इम्पोर्टाट टॉपिक आज डिस्कशन जोटा कि आमको साइड बाय साइड हेल्प कर रिभाइज करने। तो आज आम लाइक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी विषय टे फटाफट रिकैप करदे जोटा कि बहुत रिक्वेस्ट आसुच्छे। तो चलो आम भारत देखा आम आज मॉडर्नाइजेशन विषय कौन मीनिंग मॉडर्नाइजेशन कौन मॉडर्नाइजेशन माने स्पेशली से कौन कहे ना एलिमिनेशन ऑफ कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल बैरियर विथ स्पेसिफिक फोकस रैशनलाइजेशन सेकुलराइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। यदि मॉडर्नाइजेशन आपन बुझार अच्छे तो दुटा जिनस मन रखिए जहाँ भी ट्रेडिशनल आपण कल्चर है सोशल बैरियर हो कि कल्चरल बैरियर हो जमी आप पैट्रियार्की सिस्टम हो कि आप बिलीफ कस्टम हो से सब कुछ कौन करती एलिमिनेट करने कथा कहते आने मॉडर्नाइजेशन रे दुटा प्रिंसिपल कथा कहते जोटा कि रैशनलाइजेशन आउ सेकुलराइजेशन जिते आप रैशनल थॉट आसीबो मॉडर्न आउटलुक आसीबो आपण गोटे मॉडर्नाइजेशन टेंडेंसी आप देखिपारे से कहते आ सेकुलराइजेशन मैंने कौन से कहते जो आपणकर कौन थी जो मीडियाभल टाइम आपर प्रेजेन्स कार चर्च हो किंबा आपणकर रिलीजन प्रिभिलेन्स आसला तो गोटे ये नुआ डेवलपमेंट आउटलुक आसलानी ये तो से कहते कौन सेकुलराइज कर सब जिन रईट। तापर से कहते कौन डिफरेन्सीएसन रईट डिफरेन्सीएसन मैंने कौन डिफरेन्ट अर्गानाइजेसन डिफरेन्ट फंक्शन आठ आप डिफरेन्सीएसन देखियार अच्छे है तो कार कौन काम से सब करेंगे रईट। ये गोटे प्रकार आउ फ्यूज सिस्टम देखा मिले आप फिजन सिस्टम देखा मिले रईट। जितेबाला आम मॉडर्नाइजेशन तो बेसिक आपंकर इनफर्मेसन होगा कि मॉडर्नाइजेशन क्वेश्चन आसे प्रायत थिंकर आर थॉट रू आए जमी गोटे टालकॉट पर्सन हो गले टालकॉट पर्सन कौन से पांचटा फीचर्स देते ट्रेडिशनल सोसाइटर है कौन से पांचटा फीचर कही ट्रेडिशनल सोसाइटी ना पार्टिकुलालिज्म कलेक्टिविज्म पार्टियार्की देन एस्क्राइबड वैल्यूज। एस्क्राइबड वैल्यू मैंने कौन जोटा कि कास्ट रे माने बेस थी जोटा आप आईडेंटी रे बेस थी जोटा आप रिलीजन बेस्ड थी सीटा हूँ आपंकर कौन एक्सपेक्ट वैल्यू। तो सी कहले ना ट्रेडिशनल जी आप जो सोसाइटी अच्छे तार पांचटा फीचर अच्छे ये गोटे क्वेश्चन बनीजी जे केतेटा फीचर कथा कही टालकॉट पर्सन पांचटा से भितर कौटा कौटा ना तो मन रखिए पार्टिकुलालिज्म गोटे है कलेक्टिविज्म है पैट्रियार्की है आपर एस्क्रिप्ट वैल्यू है। तापर आपर टालकॉट पर्सन तो होगले जे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज करते ये आप क्वेश्चन पाइबे
ତାପରେ ରସ୍ ଟୁ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଡବଲ ଡବଲ ରସ୍ ଟୁ ଏ ସେଇ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ରସ୍ ଟୁ ଏ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ଅପ୍, ଆଉ ହେଲା ଟେକ୍ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ମାଚ୍ୟୁରିଟି, ଆଉ ହାଇ ମାସ୍ କନଜପ୍ସନ୍ସ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଥିରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ନା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ରହିଥାଏ। ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି, ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ଅପ୍, ଟେକ୍ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ହାଇ ମାସ୍ କନଜପ୍ସନ୍ସ, ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା କଥା ସେ ଏଠି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିଯିବ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ, ହେଲା ରାଇଟ୍। ତ ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସାମୁଏଲ୍ ପି ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଟନ୍ କଥା କହିବା ହିଁ କହିବା। ସାମୁଏଲ୍ ପି ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଟନ୍ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁକ୍ରେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ନା, ପଲିଟିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଇନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋସାଇଟି। ଆକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଇନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋସାଇଟି ବୁକ୍ କାର ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଟନ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସେ ବୁକ୍ରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନେ କ'ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଓଭର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ତାଙ୍କେ କହୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଟନ୍ ନା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଉଠୁଛି କି ସେଥିରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଇଟିଯାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେଟେଡ଼। ହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲା ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହିବା, କ'ଣ ପିପୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କି, କ'ଣ ପିପୁଲ୍ଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ସେୟାରିଂ କି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲା ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ କେପାବଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ବା ମିଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କଥା, ରାଇଟ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବେ, ପାକିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ହୋଇଯାଉ ତାଙ୍କର, କିମ୍ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଉ, ତ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆପଣଙ୍କର ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଟନ୍ ମତରେ, ସେଇଟାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କୁହାଯିବନି। ପିପୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ମିଲିଟାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୁପ୍ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଠି ହେଇନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର। ତ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥାଉ ସେଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଲେ। ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ କାହାକୁ ନା, ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଲସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍। ତ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ରାଇଟ୍। ତା'ପରେ ସେ ତ ହେଲା ପରେ ସେ ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଟନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି 9 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିଥାଉ ନା, 9 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତା'ପରେ ଏଠି ଲୁସିଆନ୍ ପାଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଲେ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍। ତ ଲୁସିଆନ୍ ପାଏଙ୍କର ବୁକ୍ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେ ଏଠିରେ ସେ ବୁକ୍ରେ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ 3 ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ହୋଇଗଲା, ଆଉ କେପାସିଟି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ହିଁ ବୁଝାଇଲି ମୁଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କେପାସିଟି ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ସ, ଯାହାର ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେଟେଡ଼୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିବ, ରାଇଟ୍। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ 3 ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଇକ୍ୱାଲିଟି, କାପାସିଟି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ସ, ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନହେଲେ କିମ୍ବା ବୁକ୍ ଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୁସିଆନ୍ ପାଏ ସେ 6 କ୍ରାଇସିସ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେତେଟା କ୍ରାଇସିସ୍, 6 କ୍ରାଇସିସ୍। ତ ସେ 6 କ୍ରାଇସିସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ, ବହୁତ ଥର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଇଟା ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଏଠି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ 2 କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରାପ୍ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ, ଏଫିଡବୁଲ୍ ରିସ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫଲୋଇଂ ବା କରେକ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କଥା ଆଇଡ଼ିଆ କିଏ ଦେଲେ, କୋଲମ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ର ଏଇଟା ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଡାଭିଡ୍ ଆପ୍ଟର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ SSB ଡାଭିଡ୍ ଆପ୍ଟର୍ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କ'ଣ, ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ସ, ହେଲା। ଏ ବୁକ୍ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଡାଭିଡ୍ ଆପ୍ଟର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କିଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର
रस्टवे देखिले सेमती आबिट आप्टर मध्ये कहले स्टेजेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशंस अकॉर्डिंग टू आप्टर देर आर फोर स्टेजेस ऑफ द पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्री तो डेवलपिंग कंट्री रे से कहले ना जतळे आपण मॉडर्नाइजेशन कथा कहउछन सेटे चारिटा स्टेजेस अछि केतरा स्टेजेस चारिटा अछि एटा त आपण रोड क्वेश्चन हे जइबो कोन कोन से स्टेजेस अछि फर्स्ट कहउछन स्टेज ऑफ कांटेक्ट एंड कंट्रोल फर्स्ट स्टेज होछ कोन ना स्टेज ऑफ कांटेक्ट और कंट्रोल हला सेकेंड होछ कोन स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन कोन एटा ना रिएक्शन और काउंटर एक्शन हला आपण सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज कौन कौन कंट्राडिक्शन आउ इमानसीपेसन कौन है आप थर्ड स्टेज हूँ आप जो स्टेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन रे ना कंट्राडिक्शन आउ इमानसीपेसन जोटा कंट्राडिक्शन थी डेवलपमेंट हम ना देन फोर्थ है आप स्टेज ऑफ सर्च फॉर न्यू जेनरेटिव आपणकर सल्यूशन है द फोर्थ स्टेज कौन जोटा कि न्यू जेनरेटिव सल्यूशन चार्टा स्टेज कौन कंट्राक्ट आउ कंट्रोल तापर सेकेंड है रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन थर्ड है कंट्राडिक्शन और इमानसीपेसन फोर्थ है सर्च फॉर न्यू जेनरेटिव सल्यूशन राइट तो ये आपड़ा कौन डेविड हेप्टर स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन मन रही तो ये क्वेश्चन से पचार जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एटा थे पचारे एस एस बी पिजिट रे आई गेस्ट 2019 किंवा 2021 से पचारे एस एस बी लेक्चर है पिजिट ना लेक्चर में तक मन रखिए चार्टा स्टेज क्या कही कंटाक्ट आउ कंट्रोल रिएक्शन आउ काउंटर रिएक्शन कंट्राडिक्शन इमानसीपेसन आपर आसला सर्च फर न्यू जेनेटिव सल्यूसन रईट तापर आसा आपर डाविड आप्टर कही थ्री कंडीशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन से थ्री कंडीशन कौन ना कंडीशन कौन रहा दरकार मॉडर्नाइजेशन इनोवेटिव सोशल सिस्टम थी अच्छे डिफरेंशिएटेड थी अच्छे फ्लेक्सिबल सोशल स्ट्रक्चर थी तापर से कहते हैं सोशल बेसीस जोटा कि स्किल आउ नॉलेज आउ इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस वर्ल्ड है तो तीन टाइम आप कंडीशन हो गला मॉडर्नाइजेशन रो किए कही डाविड आप्टर तीन टा कंडीशन कही चार्टा स्टेजेस कही आपर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तापर आपर एफ ऑर्गेन्सिक आसिले सी गोटे बुक लिखले स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन ना स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक लिखले ऑर्गेन्सिक आ कहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टेजेस अच्छे के चार्टा स्टेजेस कौन कौन प्रिमिटिव नेशनल यूनिफिकेशन फास्ट आमको नेशनल यूनिफिकेशन दरकार एकत्रीकरण तापर आमको इंडस्ट्रियलाइजेशन आने दरकार जोटा कि लिबरलाइजेशन आम देखा पाई तापर आप नेशनल वेलफेयर जितने इंडस्ट्री आसो ऑटोमेटिकली नेशनल वेलफेयर हम तापर आप सब है नेशनल वेलफेयर करें कौन आपखे प्रचुप्त संबल अच्छी दैट इज एम्बुडेन्स तो चार्टा स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किए कहे ऑर्गेन्सिक्स कौन प्रिमिटिव नेशनल यूनिफिकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशनल वेलफेयर एंड एम्बुडेन्स तो यही आपर कहला जो आपर जो थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन रोटे कॉम्प्रिहेंसिव नोट हो गला माने एथरु जे जहाँ भी क्वेश्चन आपण देखिए एथरु ही आप देखिपर गोटे दीटा है तो यह भाव में आम पेड नोट्रे एक कम्प्रिहेन्सीव मध्यम जो एस एस बी पिजिट्र सिलेबस अच्छी मानने विस्तृत भाव में कभर करोटा कि आप देखिए क्वेश्चन आसवर हिं आस रईट तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आपणकर कभर हो गला तो आज आम लाइक डिस्कसन ये थी आम पखापाखि चेष्टा कले 24 खंडे क्वेश्चन सॉल्व करने जोटा कि क्वालिटेटिव क्वेश्चन से आप 50 खंडे क्वेश्चन आपत रिभाइज हो जाइए ता सहित आम देखिले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कारण यहाँ इंपोर्टेंट टॉपिकटा तो आशा करथिबे आपन क्लियर थिबो वर्तमान देखि पारथिबे जे कि भले हाबे आमर पेड नोट रिलेवेंस रहउछि आमे कॉम्प्रिहेंसिव भाबे कवर करचोंदि आ ओडे कॉन्फिडेंस मध्ये आपन प्रोवाइड करे तो जदि पेड नोट आपन परचेज करर अछि आपन कांटेक्ट करि परिबे आपन फैसिलिटी गुडा सब पेड नोट र अछि आपन देखि परिबे कोन कोन सब फैसिलिटी अछि आ इंटरेस्टेड थिले आपन मते टेली आमर ईमेल आईडी माध्यम रे कांटेक्ट करि परिबे tapasprathan42@gmail.com ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଜଏନ୍ ହେବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆଉ 20 ବା 19 ଦିନ ଯାହା ବି ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲଗାତାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଗଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସିଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବେ କେତେ କ'ଣ ନିଜର କାଟେଗୋରି ଅନୁଯାୟୀ ତ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ तो इतिकरे आमर आज रहिबो एठी सेशन मु आशा करछु आपण मन भल लागिथिबो जदि क्वेश्चन रे किछि भी डाउट अछि पचारि परिबे कमेंट रे करि परिबे मु चेष्टा करि आपण जहा भी मते मेसेज करछन आंसर करिया पई बहुत पेंडिंग अछि मेसेज तो ठीक अछि आउथरे आमे नेक्स्ट सेशन रे देखिबार भेला परे अनदर सेशन रे आशा करथि भल लागिथिबो जदि भल लागिथिबो चैनल गुडे लाइक कर देबे
ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଆମର ଆଗକୁ ଅନବରତ ଭାବେ ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।